वियतनाम की राजधानी हनोई में आधी रात को एक अपार्टमेंट ब्लॉक में भीषण आग लग गई। आग 9 मंजिला इमारत में लगी थी और उस इमारत में करीब 150 लोग रहते थे। वहीं इस हादसे में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग 13 सितंबर की रात को करीब 2 बजे के आसपास लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वियतनाम की राजधानी हनोई के जिस इमारत में आग लगी वो शहर के आवासीय क्षेत्र में एक तंग गली में मौजूद थी। हालांकि आग लगने के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है, जिसकी वजह से करीब 70 लोगों को ब्लॉक से बचाया गया, जिनमें से 54 को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना में कई बच्चे भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं रात को लगी आग के बाद इमारत से घने गहरे धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक इमारत की छोटी बालकनियां लोहे से घिरी हुई थी। अपार्टमेंट ब्लॉक में केवल एक ही निकलने की जगह मौजूद थी और इसके अलावा कोई इमरजेंसी दरवाजा भी मौजूद नहीं था। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मरने वालों की सही आंकड़े की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर बचाव कार्य तेजी के साथ जारी है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब आग लगी थी तो लोगों के चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रहे थे और इस हादसे में कुछ बच्चों की भी जान गई है। दरअसल घटना के दौरान लोग आग की लपटों से बचने के लिए छोटे बच्चों को ऊंची बिल्डिंग से फेंक रहे थे। बता दें कि इससे पहले वियतनाम में 1 साल पहले कमर्शियल सेंटर हो ची मिन सिटी में 3 मंजिला आरओ के बार में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। उस आग में कम से कम 17 लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद बार के मालिक को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि इस बार आग किन वजहों से लगी है अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।